यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, इधर भी उधर भी तिलक की तैयारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर समाजवादी शंका और सवालों के बीच अब से कुछ घंटे बाद वोटों का पिटारा खुलने जा रहा है। गुरुवार भोर का सूरज जैसे जैसे परवान चढ़ेगा वैसे वैसे खुल जा सिम सिम की कहानी साफ होती जाएगी और दोपहर होते होते सबको अपने अपने इलाके में नए MLA मिल जाएंगे। बरेली मंडल की सभी 25 सीटों का चुनाव परिणाम दोपहर बाद तक सामने आने की संभावना है। इनमें बरेली की 9 नगीनों में सबसे पहले आमला के विधायक का नाम सामने आएगा। बूथों की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण बिथरी के माननी सबसे बाद में पता हो पाएंगे। भाजपाई मतगणना के इंतजामों को लेकर जहां बेफिक्र नजर आ रहे हैं, वही समाजवादी भी रात रात जागकर काउंटिंग स्थल की निगरानी में जुटे दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, खबरची न्यूज पर आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती से जुड़ी खास रिपोर्ट। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बरेली मंडल की 25 विधानसभा सीटों में से 23 पर विजय पताका फहराने में कामयाब रही थी। समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीट आई थी। बसपा और कांग्रेस 0 पर आउट होकर पूरी तरह गिनती से बाहर खड़ी नजर आई थी। अब की बार बरेली मंडल की 3 जिले बरेली, बदायूं और साजापुर में चुनाव दूसरे चरण में और पीलीभीत जिले में मतदान चौथे चरण में सम्पन्न हुआ है। बरेली मंडल में अलग अलग सीटों पर लोगों का वोटिंग के प्रति रुझान कई तरह के संदेश देता नजर आया है। अभी तक सामने आए एग्जिट पोल चाहे कैसे भी अनुमान के रूप में दिखाई दे रहे हों, मगर बरेली मंडल का वोटिंग ट्रेंड कुछ और इशारे कर रहा है। मंडल की राजनीति को करीब से जानने और समझने वाले जानकार बताते हैं कि बरेली जिले में पिछली बार 9 की 9 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही सत्तारूढ़ भाजपा अब की बार यहां कई सीटों पर झटका खा सकती है। बरेली की नवाबगंज सीट से भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना से निधन हो गया था। भाजपा ने टिकट के प्रबल दावेदार स्वर्गीय विधायक केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार की जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर MP आर्या को चुनावी चेहरा बनाया है। डॉक्टर आर्या का मुकाबला समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार से है। भगवत नवाबगंज से 5 बार विधायक रह चुके हैं। खास बात यह है कि भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर आर्या पूर्व में समाजवादी लड़ाका भगवत सिंह गंगवार से 2 चुनाव हार भी चुके हैं और तीसरी बार उनके मुकाबले फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। नवाबगंज विधानसभा के वोटिंग रुझान से समाजवादी कैंप की आंखों में बहुत ज्यादा चमक देखी जा रही है। वहीं भाजपा कैंप भी अपने गणित गिनाकर जीत के दावे कर रहा है। बहेड़ी में भाजपा सरकार में राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार और सपा के अताउर रहमान के बीच पांटे की टक्कर है। जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बहेड़ी में ही दर्ज हुआ है। ऐसे में यहाँ जीत हार को लेकर सियासी पंडित चकरा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहेड़ी का चुनाव परिणाम एक एक वोट की खींचतान तक जा सकता है। भोजीपुरा में बसपा उम्मीदवार पूरी दमदारी से चुनाव लड़े हैं। बसपा उम्मीदवार योगेश पटेल को लेकर वोटिंग का रुझान देखते हुए भाजपा प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्या को नुकसान होने की बात कही जा रही है। इससे सैजल इस्लाम को सीधा लाभ मिल सकता है। सैजल इस्लाम या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मीरगंज सीट पर भाजपा विधायक डॉक्टर DC वर्मा और सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग में कांटे की टक्कर है। ऊंट किस करवट बैठेगा कोई पहले से मीरगंज को लेकर अनुमान नहीं लगा सकता। बितरी से भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक पप्पू भरतौल का टिकट काटकर पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को चुनावी रण में उतारा है। संघ और भाजपा के साथ
राघवेंद्र की अपनी टीम ने जिस तरह से बितरी में तांगत झोंकी उसका फायदा उसके उम्मीदवार को मिल सकता है। हालांकि सपा उम्मीदवार अगम मौर्य का गणित भी या किसी मामले में कमजोर नहीं बताया जा रहा, इसी वजह से बितरी का चुनावी रिजल्ट खासे सस्पेंस में फंसा है। बरेली कैंट में भाजपा उम्मीदवार संजीव अग्रवाल और सपा प्रत्याशी सुप्रिया एरन के बीच एक एक वोट की कसमकस होती देखी गई है। कैंट का चुनावी रिजल्ट क्या रहेगा इसे लेकर भी राजनीति के जानकार उलझे नजर आ रहे हैं। बरेली शहर में दो बार के भाजपा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार और सपा उम्मीदवार राजेश अग्रवाल के बीच तंगड़ी टक्कर है। सियासी जानकारों का कहना है कि बरेली शहर में भाजपा का पलड़ा भारी बताया जाता है। हालांकि समाजवादी राजेश अगर पार्टी लाइन से अलग अपने होमवर्क से ठीक ठाक अलग वोट पाले में खींच कर लाते हैं तो उलटफेर की संभावना से इनकार भी बरेली शहर में नहीं किया जा सकता। फरीदपुर सुरक्षित सीट पर वर्तमान भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल और सपा के विजय पाल सिंह में सीधा मुकाबला है। इसी तरह आंवला में भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह और सपा के विधायक आर के शर्मा के बीच सीधी सीधी लड़ाई है। बसपा की चर्चा बरेली में भोजीपुरा को छोड़कर बाकी कहीं और न होती सुनी जा रही है और न किसी तरह के ऐसे संकेत मिले हैं। 8 सीटों पर बसपा का मुख्य मुकाबले से बाहर होना सबको चौंका रहा है और यह स्थिति चौंकाऊ चुनाव परिणाम के रूप में सामने आ सकती है। बरेली मंडल के बाकी 3 जिले बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में अधिकांश सीटों पर आमने सामने की लड़ाई भाजपा और सपा के बीच ही होती नजर आई है। देखना यह है कि इस बार बरेली मंडल की चुनावी कहानी मोदी योगी की भाजपा की फिर से ताकत बढ़ाती है या फिर समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव की बड़ी पावर बनकर सामने आती है। खबरची न्यूज के लिए विशाल पटेल और रसद सेठली के साथ अनुरोध भारद्वाज की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज़।